और यहाँ पे हमारे साथी कह रहे थे कि आपको राजा वीरभद्र सिंह जी का जो है वो रूप अपनाना पड़ेगा। मैं इनको कहता हूँ अभी मैं वो रूप अब नहीं अपनाऊंगा, अगर अपना दिया बहुत लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, इसलिए समय आने पर जब समय आएगा तो वो भी अपनाएंगे, मगर अभी जो है धीमी गति से काम चलना चाहिए। यहाँ पे लगाम कसने की आवश्यकता पड़ेगी, लगाम को पूरी मजबूती से कसेंगे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य बोले, अपने पिता पूर्व सीएम वीरभद्र के रूप में आए तो कईयों के पेट में होगा दर्द। अपने समर्थकों को भरोसा देते हुए कहा, समय आने पर वह रूप भी धारण करेंगे। नौराधार में गेलियो मेले के समापन के बाद लोक निर्माण मंत्री ने किया धनोई स्टील ट्रस्ट ब्रिज का उद्घाटन। संग्रह पहुँचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बारिश के बावजूद गर्म जोशी से किया गया विक्रमादित्य का स्वागत। मंत्री के संग्रह पहुँचने से महज आधा घंटा पहले वालिया लाइमस्टोन माइन का मालवा आने से बंद हुए संगड़ा रेणुकाजी नाहन रोड को पीडब्ल्यूडी ने इन जेसीबी मशीनों से आनंद फानन में साफ किया। संगड़ा में पिछले 3 माह से पीडब्ल्यूडी के एक्सीडेंट व एसडीओ ना होने से शिलाई पर रेणुकाजी के संबंधित अधिकारी देख रहे हैं अतिरिक्त कार्यभार। क्षेत्र के सबसे खास्ता हाल संगड़ा राजगढ़ रोड से नौराधार से संगड़ा पहुँचने पे मंत्री के काफिलों को लग गया 1.5 घंटा। मंत्री का अपने दिवंगत पिता एवं पूर्व सीएम वीरभद्र के रूप में आने संबंधी बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में। हिमाचल सरकार के लोक निर्माण तथा युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यदि अभी वह अपने पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के रूप में आ गए तो कई लोगों के पेट में दर्द होगा। अपने समर्थकों को भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि सही समय आने पर वह उस रूप को भी धारण करेंगे और फिलहाल अपने विभाग में गड़बड़ी अथवा गलत काम करने वालों पर नकेल कसने की वह पूरी तैयारी कर चुके हैं। नौराधार के साथ लगते शिरगुल मंदिर के एलियो में आयोजित 3 दिवसीय मेले के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि उनके परिवार का इस क्षेत्र से पुराना संबंध है और इस रिलेशन को और मजबूत किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा कि शिमला मटोर एनएच सहित प्रदेश के कई 2 लेन सड़कों को 4 लेन बनाने की बात सरकारी स्तर पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चल रही है और वह उन लोगों में से नहीं है जो चुनाव के बाद भी विकास के मामले में पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। गेलियो मेले के समापन समारोह में मंत्री ने मेला मैदान के सुधार के काम के लिए 15 लाख की घोषणा भी की और एक्शन संगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे अधिकारी को जल्द एस्टिमेट तैयार करने को कहा। 3 दिवसीय गेलियो मेले के समापन के बाद क्षेत्र के सबसे खस्ता हाल संगड़ा राजगढ़ रोड से मंत्री को नौराधार से यहां पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लग गया और के यहां पहुंचने से महज आधा घंटा पहले संगड़ा तथा नाहन रोड वालिया लाइमस्टोन माइन के समीप मलबा आने से बंद हो गया। मंत्री के पहुंचने से एन पहले अब तक एनएच और यहां तक की स्टेट हाईवे से भी वंचित पीडब्ल्यूडी डिवीजन संगड़ा की मुख्य सड़क बंद होने से विभाग के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में 3 जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मंत्री का काफिला आगे निकाला गया। साई करीब 6:15 बजे बस अड्डा बाजार संगड़ा में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तेज बारिश के बावजूद मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर द्वारा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक धनोई खड्ड पर करीब 1.40 करोड़ की लागत से बने स्टील ट्रस्ट ब्रिज का उद्घाटन किया गया। गत 24 अप्रैल को टूट चुके यहाँ मौजूद पुराने पुल के जमीलोज होने की मुख्य वजह खेत में चल रही 5 लाइमस्टोन माइन व आधा दर्जन चूना पाउडर फैक्ट्री से निकलने वाले ओवरलोडेड मल्टी एक्सल ट्रक बताए जा रहे हैं और पुल के साथ खड्ड में जा गिरे ट्रक ड्राइवर के खिलाफ उस दौरान पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। क्षेत्र के लोग जहां ओवरलोडिंग के चलते महज 25 टन भारवाहक क्षमता वाले नए पुल का भी ज्यादा समय ना टिकने का अंदेशा जता रहे हैं, वही माइन ओनर्स के अनुसार वह हर साल सरकार को लाखों रुपए का टैक्स पर रॉयल्टी देते हैं, इसलिए यहां अन्य हिस्सों की तरह डबल लाइन पक्का पुल बनना चाहिए था। बहरहाल बतौर लोक निर्माण मंत्री पहली बार उपमंडल संगड़ा पर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के विजिट पर पहुंचे विक्रमादित्य का प्रवास जहां बारिश में दलदल में तब्दील हुई हाल सड़कों पर यहाँ पीडब्ल्यूडी के एक्शन व एसडीओ तक न होने के चलते चर्चा में रहा, वहीं क्षेत्र के युवा कांग्रेस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके इस प्रवास से भारी उत्साह देखा गया कि जब तक मैं इस विभाग का की अध्यक्षता कर रहा हूँ कोई भी गुणवत्ता के साथ क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको देखूंगा, समय पर कार्य पूरा हो इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ पे हमारे साथी कह रहे थे कि आपको राजा वीरभद्र सिंह जी का जो है वो रूप अपनाना पड़ेगा। मैं इनको कहता हूँ अभी मैं वो रूप अब नहीं अपनाऊंगा, अगर अपना दिया बहुत लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, इसलिए समय आने पर जब समय आएगा तो वो भी अपनाएंगे, मगर अभी जो है धीमी गति से काम चला
चलना चाहिए। जहां पे लगाम कसने की आवश्यकता पड़ेगी, लगाम को पूरी मजबूती से कसेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, उससे बढ़कर यहाँ के क्षेत्र को प्राथमिकता हमारे द्वारा दिलवाई जाएगी और जो भी यहाँ के विकास कार्य है उनको पूरा करने के लिए हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे विभाग के और जो है आईपीएच के भी यहाँ पे अधिकारी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि जो भी यहाँ पे स्कीमें चली हुई हैं उनको समय के ऊपर पूरा करवाए ताकि उसका पूरा फायदा हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं शिमला में बैठकर भी माननीय विधायक जी के साथ यहाँ के जो कार्य है उनका निरीक्षण भी किया जाएगा, उनका फीडबैक भी लिया जाएगा और समय पर वो पूरे हो, गुणवत्ता उसमें रहे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उस पर हम पूरा मजबूती के साथ कार्य करेंगे। और जो ये यहाँ पे मंच से कह रहे थे कि ठेकेदारी प्रथा जो एक विभाग के अंदर रहती है, आपने कुछ दिन पहले मेरा संदेश सुना होगा, मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में मीडिया में ये बात कही थी कि हम इस नेक्सस को जो है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके के विकास में जो अभूतपूर्व योगदान दिया, इस इलाके को आगे ले जाने में अपना समय समय पे जो योगदान दिया है उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ। आज एक नई जिम्मेवारी के साथ और नई सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुखू जी और हमारी पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद भी है, हम सब मिलकर जो विकास कार्य पूर्व सरकार द्वारा वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा शुरू करवाए गए थे मगर जिनको समय पर खत्म होना चाहिए था, अभी हम रेस्ट हाउस में बैठे थे आपके कार्यक्रम में आने से पहले और मैं यहाँ का पूरा फीडबैक ले रहा था। जब मैं आया यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में तो हमने जो यहाँ के एसी है, यहाँ के एक्सीएंस है, एसडीओज है, उनके साथ बैठकर विस्तार पूर्वक चर्चा करी है और कई जो सड़कें जिनके कार्य बंद पड़े हुए थे मैंने उनको निर्देश दिया है अपने विभाग को कि इसमें कार्यों को जो है वो रिसाइंड किया जाए और नए फ्रेश टेंडर्स कॉल करके उसमें कार्य किया जाए। कई जगहों पे अगर कोई टेंडर पे अवार्ड नहीं हो पा रहा है या कोई उसमें जो है कॉल नहीं कर रहा है तो फिर से उस पर जो है पुनर्विचार करके जिनको दिया हुआ है उनसे बात की जाए मगर समय पर उनको समय अवधि के साथ उसको पूरा किया जाए। इसके लिए मैंने डेडलाइन अलग अलग प्रोजेक्ट्स की एससी को और एक्सीएंस को दे दी है और मैं फिर से बहुत जल्द इस क्षेत्र का दौरा करूंगा। जो भी यहाँ के विकास कार्य चल रहे हैं उनको समय पर पूरा होना, उस पर पूरी निगरानी हमारी शिमला से रहेगी। माननीय विधायक जी उस पर अपना पूरा योगदान दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी कार्य चल रहे हैं वो समय पर पूरा हो और उसका पूरा फायदा जो है वो क्षेत्र की जनता को मिल सके।